बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आपके लिए दुआ हूँ कि अल्लाह ताला आप सभी को अपने अपने बने अपने अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और व्यूअर्स, आज मैं आपसे जो वीडियो रिकॉर्ड शेयर कर रही हूँ वो है, वो थोड़े मतलब कुछ आज बनाई है, कुछ कल बनाई है, कुछ परसों बनाई थी, तो वो मैं ना फुल पूरी बना नहीं सकी, इसकी वजह से मैंने अपलोड नहीं की वो वाली वीडियो। तो आज मैं अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग देखिएगा। और उसमें मैंने एक चिकन पनीर हांडी की रेसिपी भी शेयर की है, अगर आप लोग देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा, और पूरी वीडियो को देखिएगा, और ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैंने 2-3 दिनों में ये वीडियो मुकम्मल की है, उसकी कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से मैं कहीं आना जाना, हॉस्पिटल जाना, ये वो इस तरह से था, तो बस मैं इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर सकी और मुकम्मल भी नहीं कर सकी। 2-3 दिन में मुकम्मल की है, तो वो मैं आज मैं अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और देखें व्यूअर्स, आप लोग पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको पता चले कि आखिर में क्या है, क्योंकि ज़्यादातर अक्सर आखिर में ही सब कुछ पता चलता है कि पूरी वीडियो में क्या था। शुरू में देखने शुरू का देखेंगे तो इतना ख़ास नहीं मज़ा आएगा, आखिर तक देखिएगा ज़रूर। तो चले मैं ना वीडियो लगाती हूँ, आप ज़रूर देखिए, और फिर मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में। तो फिर मैं अभी इजाज़त लेती हूँ आपसे, तो अल्लाह। इधर देखें जी, ये एक बेड है मेरा बेचारा, और इसके ऊपर कितने लोग लदे हुए, मुझे समीर, एक मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मोहसिन है, ये उनके पापा हैं, ये हसन है, और ये मोमिन का पैर रखा हुआ है, ये अरमा के पैर रखे हुए, और ये इशाल बैठी हुई है, यानी कि सिर्फ मुनीबा रह गई है, यानी कि पूरी फैमिली इधर ही बेड पर जमा है। ये देख लिया आप लोगों ने, तो ये है। हाँ नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, अल्लाह माफ़ करे कि भाई आप लोग क्यों बैठे, मैं बता रही हूँ, मैं अपने व्यूवर्स को दिखा रही हूँ कि ये देखिए जी आप लोग, हम मुनीबा भी आ गई हैं। वहाँ क्या होता है भाई, अब माशाल्लाह से सारी पूरी फैमिली हमारी एक ही जगह माशाल्लाह माशाल्लाह जमा हो चुकी है। अब आप लोग एक बंदा कम है, कौन सा बंदा, एहसन की वाइफ। एहसन की वाइफ तो है नहीं ना, कम है ना, अगर होती तो वो भी इधर ही होती, अभी तो फैमिली पूरी है, जब होगी तब की बात अलग होगी। हाँ ऐसा ही है, है? किस बात की खुशी हो रही है ऐसा ना, आप खुश हो रही है? मुझे बुलवाना चाह रहा है मुझसे कुछ, अरमा जी जी मुझसे कुछ बुलवाना चाह रहा है, क्या बताना, उगलवाना चाह रहे हैं। अरे ना ऐसा बड़ा खुश हो रहा है, ऐसी बातों का खुश होता है, ऐसा खुश नहीं हो रहा है, ऐसा सोच रहा है कब ऐसा मौका आएगा, ऐसा सोच रहा है ऐसा वक्त कब आएगा, जब ऐसा की बेगम भी इधर बैठी होगी, बहुत जल्द आने वाला है बेटा, है ना मोमिन। व्यूअर्स ये देखिए, मैं बना रही हूँ पनीर रेशमी हांडी, तो हो सकता है कि आप भी बनाते हो, लेकिन मैं आपको आज इसकी रेसिपी देने वाली हूँ। तो अभी मैं ये लहसुन अदरक में इसको भून रही हूँ, चिकन को अच्छी तरह भून लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा। तो वो हिल गया, तो मैंने अभी इसमें डाली है प्याज पीस के, वो भी मैंने अच्छी तरह भुनी है, बहुत अच्छी तरह भुनी है, और अभी मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा दूध, आधा कप, वो भी मैं डाल के भून रही हूँ, अभी आपको दिखा रही हूँ भूनते हुए, बस मैंने डालते हुए नहीं दिखाया, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ पूरी रेसिपी के मैंने किस तरह से किया है।
और अभी मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी, जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा ना पानी, यानी कि थोड़ा सा घी छोड़ देगा तो। और मैं ये सारी चीज़ें भून रही हूँ, लहसुन मैंने, लहसुन अदरक जो है मैंने मक्खन में फ्राई किया था, और ये जो अभी मक्खन छोड़ निकल आएगा ना तो फिर मैं इसमें दूसरी चीज़ें डालूंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये वर्स देखें, अब ये इसमें थोड़ा सा ये आ चुका है मक्खन, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल देती हूँ, घी कह रही हूँ वो डाल देती हूँ, दही। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे, व्यूअर्स अब ये जो है मैंने दही डाल के थोड़ा सा इसको भूना है, मिक्स किया है, और अब मैं ये डाल रही हूँ चेडर चीज़। चेडर चीज़ डालने के बाद फिर इसको मिक्स करूँगी, भूनूंगी, मिक्स कर रही हूँ अब मैं इसको। ये देखें बस, अब इसमें पनीर भी मिक्स हो चुका है, ये देखें, और अब मैं इसमें डालूंगी ये शिमला मिर्च और प्याज कटी हुई, मोटी मोटी, थोड़ी सी मोटी कटी हुई, नॉर्मल से थोड़ी मोटी है, ये देखें। मैं इसको भी मिक्स कर लूँगी, और ये व्यूअर्स मैं डालने लगी हूँ इसमें धनिया है, धनिया नहीं है बल्कि ज़ीरा है, भून के पीसा है, और काली मिर्च और वाइट मिर्च जो कि आपको नज़र भी आ रही होगी, ये देखें वाइट वाइट, तो ये दोनों मिर्चें लाकर पीस ली हैं मैंने, और ज़ीरे को जो है वो भून कर मैंने पीस लिया है, और मैं इसमें ये डाल रही हूँ, भर भर के, भर भर के तो नहीं आ रहे हैं क्योंकि मेरा एक हाथ मोबाइल पे, और मैं इसे निकाल रही हूँ, ये देखें इस वजह से इधर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ये देखें। तो ये मैं सारा इसके अंदर डाल दूँगी और इसको कर लेंगे हम लोग मिक्स, हम मिक्स कर लेंगे इसको, और ये इसके ऊपर डाल दूंगी अब मैं बादाम, यानी कि फ्रेश क्रीम ले लें आप, आपके पास है, अगर आपके पास घर की मलाई है तो वो ले लें, जो भी अवेलेबल हो वो ले लें आप। तो ये देखें अभी मैंने डालती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मिक्स कर लें अब आप, और मैं आपको इसका दिखाऊंगी आखिरी लुक दिखाऊंगी अभी मैं आपको, और ये बहुत मज़े की बनेगी कड़ी। बस अब मैंने ये चीज़ डाल दी ऊपर से थोड़ी सी, और ये मैं डाल रही हूँ हरा धनिया, बस ये हो गई हमारी पनीर रेशमी हांडी तैयार। यार दोबारा यूज कर सकते हैं नहीं तो और लोगों में भी तो भैया हो गया, आप किसी ना किसी के तो हो गए, आपको भैया बोलता हो नाफिल भैया, नाफिल की शादी हो गई तारीख के, प्रधान भैया तो नहीं बोलता।